तो हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल अपडेट्स। आज से दो दिनों बाद यानी कि 21 दिसंबर की रात को आसमान में क्रिसमस स्टार दिखने वाला है, जो कि पिछले 800 सालों में ऑब्जर्व नहीं किया गया। आइए समझते हैं ये अचानक से हमारे सोलर सिस्टम में एक नया स्टार कब पैदा हो गया। तो मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं, ये किसी भी तरह का कोई स्टार नहीं है। एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम के दो बहुत बड़े गैस जायंट्स जुपिटर एंड सैटर्न इस दिन काफी नजदीक आ जाएंगे, जिससे कि ये मिलकर स्काई में एक ब्राइट स्टार की तरह अपीयर होंगे। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो हर प्लैनेट कभी ना कभी पास आता होगा, तो इस बार स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स का कंजंक्शन होना बहुत ही रेयर है। पिछली बार ऐसा कुछ 1226 यानी कि लगभग 800 साल पहले देखा गया था। इसके अलावा 21 दिसंबर यानी कि जिस दिन ये कंजंक्शन होने वाला है, उस दिन पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस यानी कि सबसे लंबी रात भी होती है, और इसलिए इसे द ग्रेट कंजंक्शन ऑफ 2020 का नाम दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बट रुकिए रुकिए, ज्ञान में अगर वृद्धि चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पढ़ें, और अगर जीवन में वृद्धि चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।